देखते हैं। अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड अरिथमेटिक इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स नोन एज लिटरल्स नंबर्स आर सिंपली लिटरल्स। यहाँ पर अलजेब्रा का मतलब होता है कि कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर्स से हम लोग डिफाइन करते हैं उन्हें लिटरल भी कहते हैं। ऑपरेशंस ऑन लिटरल न्यूमरल्स और अलजेब्रिक नंबर्स, इन पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं। सो और अब बात करते हैं ऑपरेशंस के बारे में। एडिशन, सम ऑफ लिटरल्स एक्स एंड अ नंबर, मतलब कि सम ऑफ एक्स मींस एक लिटरल हो गया एक्स एंड अ नंबर, मतलब कोई भी नंबर ले लेते हैं। सो मैं 5 ले लेता हूँ। सम ऑफ लिटरल्स एंड अ नंबर मींस एक्स प्लस 5, देखते हैं इसका आंसर। यस सही है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा भले ही ना आए। राइट एक्स एडेड टू 86, जल्दी जल्दी भेज दीजिए। अब देखते हैं इसका आंसर x प्लस 86। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। 5 लेस देन x लिटरल इज x माइनस 5, मतलब 5 लेस देन x लिटरल इज x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 2, ये इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। राइट y लेस देन x, इसका आंसर होगा y x माइनस y। ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन, 4 टाइम्स x इक्वल्स टू 4 स्टार x, स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ये कंप्यूटर है इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। क्वेश्चन 3, राइट 8 टाइम्स ऑफ c, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, मैं इसको ट्राई करता हूँ। 8 टाइम्स ऑफ c मींस 8 इंटू c, देखते हैं आंसर। यस सही आंसर है। डिवीजन, x डिवाइडेड बाय y इज रिटन एज x डिवीजन साइन बाय y। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 30 डिवाइडेड बाय x, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। सो मैं पहले ट्राई करता हूँ 30 डिवाइडेड बाय x। यस सही है। पावर्स ऑफ लिटरल्स, पावर्स ऑफ लिटरल्स मतलब इनमें पावर नोटेशन में लिखा जाता है। लाइक c इंटू c इज रिटन एज c स्क्वायर्ड, यहाँ पर स्क्वायर ऊपर नहीं लिख सका मैं, तो इसलिए ऐसे स्क्वायर्ड लिख दिया। c into c is written as c cubed, यहाँ पर cube भी नहीं लिखा गया तो इसलिए मैंने direct ही cube लिख दिया। Constants and variables, the x has no confirmed value so it is a variable, इसका x का मतलब literal, यानी कि कोई भी literal का value fix नहीं होता है, so जिसका value fix नहीं होता है उसे हम लोग variable कहते हैं। कॉन्स्टेंट, 5 डिनोट्स वैल्यू ऑफ 5 सो इट इज नोन एज, यहाँ पर वेरिएबल्स लिख दिया है मैंने, यहाँ पर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। सो 5 डिनोट्स अ वैल्यू ऑफ 5 सो इट इज नोन एज कॉन्स्टेंट। इनमें कुछ रूल्स भी होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। कॉन्स्टेंट हैव फिक्स्ड वैल्यूज, कॉन्स्टेंट्स के कभी वैल्यू बदलते नहीं है, लेकिन वेरिएबल डू नॉट डिनोट फिक्स वैल्यूज, वेरिएबल्स के कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, मोनोमियल्स, इक्वेशन हैविंग वन ऑपरेशन इज कॉल्ड मोनोमियल, एग्जाम्पल एक्स प्लस 7। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऑपरेशन का मतलब होता है ये प्लस माइनस इंटू ये सब साइन, तो यहाँ पर एक ही साइन है तो एक साइन वाले ऑपरेशन इक्वेशन को हम लोग मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल, इक्वेशन हैविंग टू ऑपरेशन इज नोन एज बाइनोमियल, एग्जांपल यहाँ पर देखिए डबल बार मैंने प्लस लिखा है, सो जहाँ पर जिस इक्वेशन में दो दो साइन हो उसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल, इक्वेशन हैविंग थ्री ऑपरेशन इज नोन एज ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स में थ्री ऑपरेशन साइंस होते हैं,
प्लस 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 माइनस ऐसे जो भी लिख दीजिए, लेकिन 3 ही होने चाहिए ट्राइनोमियल्स में। अब देखते हैं क्वाड्रिनोमियल्स। इक्वेशंस हैविंग फोर ऑपरेशंस आर नोन एज क्वाड्रिनोमियल्स। एग्जांपल जेड प्लस डी प्लस जी माइनस सी इंटू डी। इसमें देख सकते हैं आप फोर फोर ऑपरेशंस हैं। अब देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग टू और मोर देन ऑपरेटर्स आर नोन एज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम लोग मोनोमियल्स मोनोमियल छोड़ के कुछ भी पॉलिनोमियल हो सकता है।